हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बना रहे हैं हम मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट शायद, पता नहीं, आपकी चॉइस है। ये बर्गर बना रहे हैं आज हम मैकडोनल्ड स्टाइल, और बर्गर किंग के बर्गर तो बहुत खाए होंगे। आज हम एकदम देसी स्टाइल बर्गर बनाएंगे, और ये कुछ 4 चम्मच के आसपास हमने लिया है बटर, या कुछ 40-50 ग्राम। इसको अच्छे से आप वो कर लीजिए, मेल्ट, पिघल लो इसको, पिघल लो। इसमें डाल लीजिए 1 चम्मच तेल साथ में। बटर जब हो जाए मेल्ट, उसमें डाल दीजिए जीरा। ठीक है, डल गया काला काला, कोई नहीं, जीरा डाल दो इसमें। मेरे सारे खड़े मसाले एक ही उसमें है तो फिर हो जाता है। इसके बाद डाल दो इसमें आप अदरक और लहसुन, करीब 2 से 3 लहसुन लिए हैं, और 1/2 इंच अदरक। छीलने में बड़ा आलस आता है इसको, तो मैंने कुछ कुछ जो है उसके साथ ही डाल दिया, इसके साथ छिलके के साथ। इसको जो है कुछ ज़्यादा ही ये जलने की स्टेज पर आने वाला है, तो इसको जल्दी से हम हिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे मिर्ची डाल दी। मिर्ची डालने के बाद इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ 2 प्याज। मैं डाल देता हूँ, इससे पहले मैं हाथ जला लूँ अपने। अच्छे से इसको मिला लीजिए। ओहो, क्या खुशबू आ रही है, उफ, मजा ही आ गया, मन कर रहा है ऐसे ही खा जाऊं। ट्रांसलूसेंट जब हो जाए मित्रों प्याज, हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, फिर उसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, उप्स गिर गया थोड़ा सा, फिर उसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि स्पाइसी, और हल्का सा नमक चुटकी भर। आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ले लेना, मैं तो भाई अपने स्वाद अनुसार डाल दिया है। हल्की सी इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी। उफ, क्या मस्त रंग आ रहा है। अब दोस्तों आ गया टाइम इसमें डालने का। सब्जियां आपके पास जो हो सब्जियां वो डाल लेना। मैं इसके अंदर कैप्सिकम डाल रहा हूँ, आप अपनी चॉइस के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब जो है हम इसमें डालेंगे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। मुझे पर्सनली बताओ टमाटर बहुत पसंद है, क्या आपको पसंद है कमेंट करना, और बताओ। अलग ही फील आती है टमाटर खाते हुए, जूसी जूसी रहता है। अभी 2 टमाटर लिए हैं मैंने, तो कुछ 4-5 मिनट इसको अच्छे से पका लो आप, और थोड़ा थोड़ा मैश करना भी शुरू कर दो। मैं स्पैचुला से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैश है नहीं, आपके पास है तो आप उससे कर लेना। तो अब इसके अंदर आइडियली पाव भाजी मसाला डालता है, बट वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने गरम मसाला और हल्का सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब जो है आप इसमें डाल दो पोटैटो। मैंने जो है 3 बड़े पोटैटो लिए हैं यहाँ पे, उसको अच्छे से आप एकदम कूट दो, अच्छे से उसको जो है मावे नहीं कर दो। मित्रों हमने जो है आलू को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डाला है केचप सॉस, टोमेटो सॉस डाला है, और फिर उसके बाद 2 चम्मच भर भर के शेजवान, क्योंकि स्पाइसेस जान। इसको अच्छे से मिला लेंगे। सॉस को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चीज स्लाइस। इसको मेल्ट होने देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चीज अच्छे से गई है घुल। अब इसको हम डालेंगे अपने बन के ऊपर, और अब सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो मित्रों मैंने अपना तैयार कर लिया है बर्गर। इसमें मैंने जो है जो हमने बनाया था मसाला वो डाला, फिर उसके बाद थोड़ी चीज स्प्रेड ऑप्शनल है, फिर उसके बाद 1 चीज स्लाइस, फिर ये बर्गर हो गया तैयार। अब इसको हम करेंगे सेकेंगे तवा। अब शुरू हुआ एक्चुअल तवा। तवा कर लीजिए गरम, उसमें डालिए बटर और हल्की सी मिर्च और धनिया। तो ये हमने धनिया वनिया डाल दिया। अब इसको बर्गर को करेंगे सेक। अब आप जितने बर्गर है बना लो, बर्गर ना हो ब्रेड से बना लो, पाव से बना लो, स्वाद वही आएगा, बट बर्गर में क्या थोड़ा फील आती है। दोस्तों बर्गर हो गया है तैयार। ओए हो, चीज देख रहे हो आप, क्या मस्त आ रही है ये। मैं इसको खाता हूँ, आप लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। बताना कैसा बना है बर्गर, मैं भी खा लेता हूँ। ओके, बाय बाय।